स्पीकिंग ट्री पे टाइटल जो है आज के एडिटोरियल का या आर्टिकल का वो है आइडेंटिटी ट्रैप <coughs> फिर से तैयार हो जाए चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस आइडेंटिटी ट्रैप लुक एट अस लुक एट मैनकाइंड लुक एट द होल ऑफ आवर ह्यूमन सोसाइटी पास्ट एंड प्रेजेंट वॉट डू वी सी वी सी अ समटाइम्स ब्रिलियंट ये टू ऑफ एन वोलाटाइल मल्टीफेटेड स्पीसीज Failing to extract from itself its highest level of potential. Instead of accelerating mutually beneficial alliances as we age, violence, injustice, hatred, greed, despair, and selfishness plague us daily, diminish expectedly but without sufficient awareness on our part, our personal and collective right to live more meaningful lives. We think and believe that our carnal, ego driven behavior.

तो सबसे पहले तो कह रहा है कि रिफ्लेक्ट करो देखो हमारे ऊपर लुक एट मैन काइंड एट द होल ऑफ अर ह्यूमन सोसाइटी पास्ट एंड प्रेजेंट हमें क्या नजर आता है वी सी अ समटाइम्स येट टू अमटाइम्स रिलेट येक्ट फ्राम इट सेल्फ इट्स हाइस्ट लेवल ऑफ पोटेंशियल वही बात की भाई हम सब इंडिविजुअल के तौर पर इनफाइनाइट पोटेंशियल है सिर्फ कहने के लिए नहीं बाई डिफॉल्ट है एग्जाम्पल्स भर भर के पर्सन कमिंग फ्रॉम नो वेयर कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड डिड अ काइंड ऑफ डेंट इन द होल सिस्टम डज अ डेंट वही है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कहीं भी देखो तो बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड और फैमिली से आने वाले लोग दुनिया में बहुत बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं आप किसी भी फील्ड में उठा के देख लीजिए तो इसका क्या मतलब है कि वो लिख करके नहीं आ रहा वो डिपेंड करता है कि वो इंसान अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करता है अगर वो आइडेंटिफाई अपने आप को सिर्फ इसी तरीके से करता है कि अच्छा मेरी पैदाइश यहाँ हूँ मैं इस बैकग्राउंड से आता हूँ इस परिवार से आता हूँ और बाकी जो हमारे आइडेंटिटी मार्कर्स हैं जाति धर्म सोसाइटी कम्युनिटी ये वो राइट right? तो ये सब आइडेंटिटी मार्कर्स है ना तो आप अपने आप को क्या किससे आइडेंटिफाई करते हो मेरा नाम मेरी आइडेंटिफिकेशन है मेरी डिग्री मेरी आइडेंटिफिकेशन है मेरा फेमिलियल बैकग्राउंड मेरी आइडेंटिफिकेशन है मेरी नौकरी मैं मैं इन अ सेंस कि हम सब इंडिविजुअल के तौर पे बहुत बड़े होते हैं अरे माय डिग्री और माय पढ़ाई लिखाई और माय काम वर्क वॉट वी डू दैट इज अ वन पार्ट ऑफ माय लाइफ ट इज वन पार्ट ऑफ माई लाइफ मैं वो नहीं हूं तो अपने इन आइडेंटिटीज को अपने ऊपर ज्यादा हावी मत हो जाने दो उसी के बारे में यहां पर बात हो रही है अभी इसको आगे और एक्सप्लोर करूंगा एग्जाम्पल्स तो भर भर के हैं मेरे पास बट जो लिखा है कि वही चीज है कि इंस्टेड ऑफ एक्चुअलिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल अलायंसेज एज वी एज जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो अपने म्यूचुअली बेनिफिशियल अलायसेस को एक्सेलरेट करने के बजाय क्या होता है वायलेंस इनजस्टिस हेटरेट ग्रीड डिस्पेयर सेल्फिशनेस प्लेग अस डेली अभी सारे के सारे नेगेटिव ही इमोशंस हैं यहां पे प्लेग वर्ब के तौर पे यूज हुआ है तो यही सारी चीजें हमें परेशान करती हैं डिमिनि एक्सपेक्टेडली बट विदाउट सफिशियंट अवेयरनेस ऑन अवर पार्ट अवर पर्सनल एंड कलेक्टिव राइट टू लिव मोर मीनिंगफुल लाइफ्स वी थिंक एंड बिलीव दटर कार्नल इगो ड्रिवे बिहेवियर इज इनफॉलिबल भाई कि मैं ये हूं वही मेरी आइडेंटिटी है कार्नल ईगो फिजिकल वाली वही कि मैं ये हूं और ये मैं जो हूं वो इनफॉलिबल है यानी परफेक्ट है बिल्कुल मैं परफेक्ट हूं तुम इम हो मैं सही हूं तुम गलत हो यही तो लड़ाई है पूरी दुनिया में तभी तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस रहेंगे तो जब तक आप उनसे ऑपरेट होगे गए एंड दिस इज द ट्रैप वी आर इन और इसी ट्रैप में हम फंसे हुए तूने कैसे बोला मुझे बोल सकता जानता मैं कौन हूं ये ये जो भाषा बोली होती है हमारी उसी की बात हो रही है वॉट मेक्स अस ह्यूमन इज नॉट हु वी आर सो मच एज इट इज हु वी कैन बिकम वॉट वी कैन बिकम एंड वी कैन बिकम इज मोर एनलाइटेंड वी कैन स्केप प्रोग्रामिंग बॉन्डेज सेपरेट फ्रॉम ईगो आइडेंटिटी अटैचमेंट बिफोर डेथ रिमूव देन फॉर अस फॉर अस वी कैन वेक अप मेनी ऑफ अस मोस्ट बट हाउ सवाल भी पूछ रहा है तो वही कह रहा है कि हमें कौन सी चीज ह्यूमन बनाती है इज नॉट हु वी आर हम क्या हैं सो मच एज इट इज हु वी कैन बिकम वही बात कि हम कहां से आते हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता लेकिन हम क्या बन सकते हैं इसमें तो हमारा कंट्रोल होना चाहिए ना तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बन सकते हैं एंड व्हाट वी कैन बिकम इज मोर इलाइटन और कम से कम इतनी तो संभावना जरूर है कि बुद्धि हमारी थोड़ी खुले तो

उनकी जो भी आइडेंटिटीज है, है।, है, है।, है उस के के साथ साथ। तो हम उसी bondage trap में बंद के रहते हैं, वही यहां पे लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग बॉन्डेज है सेपरेट फ्रॉम ईगो आइडेंटिटी अटैचमेंट बिफोर डेथ रिमूव देम फॉर अस वी कैन वेकअप मेनी अस पर मोस्ट बट हाउ कैसे जगह हम अब तो समझ में आ गया कि जी ठीक है जी ये जो हमारी आइडेंटिटी जिसको लेकर के मैं ये हूँ मैं ये हूँ जो अपनी गाड़ियों पे पीछे लगा लेते हैं प्राउड टू तो बी दिस एंड दैट उसमें कौन सा प्राउड आपने कुछ किया है क्या अगर मान लो आपकी कम्युनिटी ने कुछ महान काम किया भी है तो आपने किया है कि गाड़ियों पर लिखवा के घूम रहे हो तो आ, उसी की बात यहाँ पे हो रही है फॉर वन अ स्लीप टू नो ही इज स्लीपिंग पहली बात तो जो सोया हुआ है उसको पता तो लगे कि वो सोया हुआ है

जिंदा तो हैं बट जिंदे जैसे नहीं है एवरीथिंग फ्रॉम रॉक्स टू बक्स टू फोलियर्स एनिमल्स क्लाउड्स प्लैनेट्स स्टार्स आर हियर इन द प्रेजेंट विद अस बट वी अनफॉर्चुनेटली आर ओनली मार्जिनली अवेयर ऑफ देम एंड आर सेल्फ हियर बिकॉज आवर अटेंशन इज टू ऑफन फोकस्ड ऑन पास्ट एंड फ्यूचर इमेजरी एंड चैटर रशिंग बैक एंड फोर्थ इन आवर माइंडस बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर तो बात वही है कि जो भी कुछ हमारे पास अवेलेबल है आस पास है हमें उसके लिए अवेलेबल नहीं है यू नो भाई जो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि पेड़ पौधे मौसम चीज़ें यू you नो know, सब कुछ तो है आप वहाँ से चाहें तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं और कई बार ये रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं जैसे आई यूज टू डू हमने कॉपरेट्स में या प्रोफेशनल्स को कि आप अपने कैंपस में बाहर निकलो और देखो थोड़ा रिफ्लेक्ट करो चीज़ों के ऊपर बिल्डिंग पेड़ पौधे फूल यू you नो know, एंड चुपचाप रहना किसी से बात मत करना फ़ोन मत देखना एंड आफ्टर वॉकिंग यू नो फॉर 60 मिनट फॉर 30 minutes let's से आप वापस आएंगे एंड यू विल write डाउन योर रिफ्लेक्शन कि आज आपने अपने कैंपस में जो पिछले तीन चार 5 साल से आप यहीं पे काम कर रहे हैं आपने कौन कौन सी नई चीज़ें देखी और लोगों ने कमाल कमाल के दो दो पेजेस उसके बारे में लिखे तो हम खुद ही नहीं अवेलेबल हैं अपनी ही दुनिया में ऐसे बिजी हैं मुँह उठाए चले जाते हैं चले आते हैं ऑटो पकड़ लिया रिक्शा पकड़ लिया मेट्रो पकड़ लिया काम पे गए काम से वापस भी ऐसे ही चले आ रहे हैं बट ऐसे लग रहा है कि इंसान जाता है और चला आता है क्यों क्योंकि वो या तो पास्ट और फ्यूचर के चैटर में बिजी है वो वर्तमान में अवेलेबल ही नहीं है जो बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें जो हो रही हैं वो उसको बेचारा छोड़ जाता है उसी के बारे में पूरी बात हो रही है दिस फैक्ट कैन बी इजिली वेरीफाइड एनी टाइम वी ड्रीम आवर फियर ऑफ इनसिग्निफिकेंस एंड ऑब्जर्व ऑलसेल विद ब्रूट ऑनेस्टी हाउ एवर आफ्टर वेरीफाइंग वी आर असलीप हाउ डू वी वेकअप नॉट फॉर अ मोमेंट हियर आर देयर बट विद ग्रेटर कंसिस्टेंसी ईच डे तो वही बात कि भाई जब समझ में आ गया कि सोए हुए हो तो फिर जगो कैसे और जगह ऐसा नहीं कि मोमेंट के लिए जगना यहाँ पे अलग कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है जिंदगी के लिए हाउ डू वी ऑन आवर ओन हॉबल्ड ओवर रन एंड डिस्ट्रैक्टेड बाई द ऑब्लिकेशन ऑफ आवर डे टू डे लाइफ बिकम मोर इनलाइटेंड वही बात जो आदमी सुबह ले से लेके आठ बजे से लेके रात के दस बजे तक अपनी रोजी रोटी कमाने में बिजी है लगातार और उसकी जिंदगी उसको लगता है कि मशीनीकृत हो गई वो जो तमाशा मूवी थी इम्तियाज़ अली की यह दस गाई रणबीर कपूर वाली

With being more conscious of being alive in the present moment, where uh, where in all life takes place, we wake ourselves with what has kept us asleep. अब खुद देखो कि पढ़ते पढ़ते कितना समझ में आता है। <laughs> तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पहली बार कि we make frequent efforts to be in the present, to evolve a heightened sense of ourselves in the moment we are in while doing what we are doing। कबीर की बात कर लो, रहीम की बात कर लो। क्या काम करते थे ये लोग इट्स नॉट अबाउट द एक्शन भाई यहां पे लिखा हुआ है ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से टाइम निकालोगे तुम पढ़ने जा रहे हो विद्यार्थी हो तुम काम करने जा रहे हो कहीं पे क्लर्क हो इट्स नॉट अबाउट आर डूइंग समथिंग बिग सिर्फ यहां पे कहने का ये मतलब है कि जो भी कर रहे हो वो होश में करो होश में करो और एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ करो जो आगे की बात लिखी हुई है थोड़ा अलग तरीके से देख पाओ वीनली एवरी था का क्या मतलब ईगो वही है ईगो हर एक चीज को पर्सनली ले लेते हैं तो उसी को कह रहा है कि अपने आप को भी अपने आप से अलग करके देखो कि मैं अगर ऐसा सोच रहा हूँ या ऐसा कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं कबीर साहब के दोहों में आप देखें उन दो दो लाइनों में जिंदगी के कितने फलसफे हैं दो एक एक दोहे पे बीस बीस पच्चीस पच्चीस मिनट बात हो सकती है तो कबीर ने जिंदगी जैसी थी वैसी जिंदगी को देखा ना उन्होंने अपने कलर्ड ग्लासेस से नहीं देखे और कलर्ड ग्लासेस इज नथिंग बट द ईगोज कि जो भी आपने इमेज बना ली है रंगीन ग्लासेस से जैसा जिस तरह का ग्लास पहनोगे वैसा ही दिखेगा ना आप अगर मान लो ब्लैक ग्लासेस देख पहने आपने तो जो दिखाई देगा वो ब्लैक दिखाई देगा ब्राउन पहने ब्राउनिश दिखाई देगा ग्रीन पहने ग्रीनिश दिखाई देगा तो हम अपना रंग यानी अपनी जो इंडिविजुअलिटी वाला रंग है ना वो हर जगह चढ़ा देते हैं वो जैसा है वैसा नहीं देखते एक फिल्टर लग जाता है उसके सामने तो उसी की बात हो रही कि उस फिल्टर को हटाओ जो जैसा है वैसे देखने और परसीव करने की कोशिश करो उसमें पर्सनल टच मत घुसा दो एनालाइज ईगो एंड ऑल ओपिनियन एंड माओपिक माओपिक का मतलब क्या होता है माओपिया पढ़ा है ना जो छोटा छोटी सोच है आपकी अटैचमेंट प्रोग्राम जो है ego, और फिर आप इसीलिए अगर वो देखा भी है इस चैनल पर भी अवेलेबल है जो क्या था वो पॉडकास्ट तो उसमें अटैचमेंट और लव के बारे में बात हुई थी और मैंने वही बताया था अटैचमेंट एंड लव आर डायमेट्रिकली अपोजिट कॉन्सेप्ट अटैचमेंट बहुत खतरनाक होता है उसी के बारे में यहां पे बात हो रही है तो वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है अटैचमेंट का मतलब वहां पे बॉन्डेज रहेगा डिपेंडेंसी रहेगी फियर रहेगा फ्रीडम में बॉन्डेज नहीं है फियर भी नहीं रहेगा फ्रीडम की तरफ आप जाएंगे तो हम बाई डिफॉल्ट ज्वाय और फ्रीडम हमारा इन नेट ट्रेट है इंडिविजुअल के तौर पर एक छोटे बच्चे को देखो दैट स्मॉल चाइल्ड इज अ हॉल मार्क ऑफ ज्वाय एंड फ्रीडम उसको कुछ नहीं पता अभी उसको आइडेंटिटी आपने नहीं पकड़ाई है उसको ये भी नहीं पता कि वो लड़का है लड़की है छोटा बच्चा जो है वो किसी से भी कनेक्ट करता है उसको अमीर गरीब छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ नहीं पता और जॉयफुल रहता है क्या प्रसन्न होता है बच्चा जिंदगी को पूरी इंटेंसिटी के साथ जीता है इसीलिए बच्चों को भगवान की मूर्त कहते हैं बिकॉज जो हमारा इन्नीट ट्रेट है नेचुरल ट्रेट है वो सिर्फ बच्चे में दिखाई देता है जैसे उम्र बड़ी होगी अब तुम्हें अलग अलग ज्ञान पर लाया जाएगा और फिर जो तुम्हारा नेचुरल सेल्फ था वो दबना शुरू हो जाता तुम ज्ञानी होने लग जाते हो और उसी में कबाड़ा हो रहा है वो सारे दुख दर्द की जो इतने सारे वर्ड्स लिखे थे तो यानी मिला था सब कुछ बहुत अच्छा हमने उसको खराब किया ये मान के कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है और वही जिंदगी बार बार दिखा रही कि नहीं जो तुम कर रहे हो वो अच्छा नहीं अगर अच्छा होता तुम कम से कम अंदर से खुश तो रहते तुम बेचैन परेशान हैरान कम उम्र में सुसाइड कर रहे हो जिसको सब कुछ मिल गया वो भी सुसाइड कर रहा है वो परेशान में है डिप्रेशन में है फ्रस्ट्रेशन में है तो इसका मतलब जो तुमने अपनी प्रोग्रामिंग भिड़ाई है वो सब गड़बड़ है पर तुम ज्ञानी बन जाते हो आई नो आई नो व्हाट शुड बी डू करो फिर तो वही यहाँ पे लिखा है विद बीइंग मोर कॉन्शियस ऑफ बीइंग अलाइव इन द प्रेजेंट मोमेंट वेयर इन ऑल लाइफ एंड आफ्टर लाइफ टेक्स प्लेस लाइफ तो प्रेजेंट में चलती है ना हम या तो पास्ट के दर्द में या प्लेजर के फ्यूचर में और उसमें बिल्कुल वर्तमान इधर-उधर जा रहा है बेचारा वी वेक ourselves with what we kept us asleep तो जो चीज हमें नींद में रखी है उसी के सहारे तो हम जगते हैं गो इज नॉट द सेल्फ नॉट आवर सोल बट वी हैव बीन मेड टू थिंक इट इज विदउट क्वेश्चन बिकॉज वी हैड नो से इन आवर चाइल्ड हुड प्रोग्रामिंग अब देखो ईगो को ना कई सारे लोग सिर्फ इस तरह से समझते हैं कि जो बहुत शो ऑफ कर रहा हो बहुत घमंडी हो या बहुत अमीर आदमी ईगोइट होता है ऐसा नहीं होता ईगो भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में चलता है अब ये कैसे चलता है नेगेटिव वाला कैसे चलता है जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा जब भी आप उनसे मिलेंगे वो रोते हुए रहेंगे अरे कुछ नहीं हो सकता कुछ हो ही नहीं रहा है बिजनेस ही बहुत बेकार चल रहा है कुछ बन ही नहीं रहा जब आप उनसे मिलोगे वो रोते रहेंगे ये खतरनाक ईगोइस्ट लोग होते हैं और ईगो पलता पोसता है किस खाने पे अटेंशन पे इनको कुछ ऐसा करना है जिससे अटेंशन मिले वो जैसे अभी तो पता नहीं करते नहीं करते अदरवाइज पहले भी बहुत करते थे फीलिंग सैड विथ थर्टी टू पीपल फेसबुक पे अभी भी होता ही होगा वो इमोशन उमोशन इसीलिए फेसबुक ने डाला फीलिंग सैड विथ थर्टी टू पीपल टैग भी कर रहे हो स really sad? का तमाशा करना है अरे सैडनेस इज एन इंसानी इमोशन चुपचाप हो बैठ के रो लो किसी बहुत क्लोज इंसान से बांट लो दिल के दर्द उसका दोस्त आकर के what happened? तो तुम्हें उसका भी तमाशा चाहिए तुम्हें उसके जरिए भी अटेंशन चाहिए कोई बात नहीं भाई दिल टूट गया कोई बात नहीं तो वो सब तुम्हें चाहिए वहां पर गाना वाना टैग करोगे तुम तो, तो ईगो दोनों तरफ से चलता है जी जो लोग सेल्फ विक्टिमाइजेशन करते हैं ना कि मैं बहुत ये हूं वो हूं बहुत दयनीय हाल अरे क्या दयनीय हालत है भाई इंसान हो सारा पोटेंशियल है अपने आप को जगाओ काम करो रोने का बड़ा बहाना है तुमसे बड़े दयनीय हालत वाले लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लेकिन तुमको उसमें मजा आता है क्योंकि तो चार लोग बात करेंगे पूछेंगे ईगो को मसाज मिलेगा अच्छा अच्छा नहीं ठीक हो जाएगा ठीक है ठीक है वाह तो ये दोनों तरीकों से चलता है इगो इज नॉट द सेल्फ नॉट आवर सोल बट वी हैव बीन मेड टू थिंक इट इज विदाउट क्वेश्चन बिकॉज वी हैड नो सेट इन आर चाइल्ड हुड प्रोग्रामिंग अवर ईगो वॉज क्रेड इन एस एंड वैल्यूट फोर एस बाई अदर पीपल बिफोर वी कुड चूज फॉर आवर सेल्स वही जो मैंने लिखा है वो हमारे लिए खुद क्रिएट किया गया हमें दे भी दिया गया बिना ये जाने मतलब जब तक हम समझने वाले थे कि अच्छा क्या है ये तब तो तक वो मिल चुका था आपको तो ईगो इज नथिंग बट द इमेज ऑफ योर सेल्फ वॉट यू हैव बाहर से मिल रहा है तो मैं इसको, इसको मैं से से बोलता हूं कि और दुनिया में जितने लोग महान हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ डेंट किया सिस्टम के अंदर बदलाव किया है, किया है। अगर वो जिस जो आइडेंटिटी से पैदा हुए थे अगर वही अपनी आइडेंटिटी मान लेते न्यूटन मान लेता कि मैं खेती किसानी के परिवार से आता हूं मेरा काम तो खेती किसानी है तो फिर न्यूटन ने जो कुछ किया वो तो नहीं कर पाता ना तो जहां से आ रहे हो उसका इतना बोझ लेके क्यों चलते हो बैगेज लेके क्यों चलते हो मिल गया ठीक है कोई बात नहीं ये नहीं कहा जा रहा उसको हटाने की कोशिश करनी है लेकिन उसमें बंद मत जाओ वही तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है उसी की बात यहां पर हो रही है इफेक्ट ऑफ विच और इसी चीज ने हमें वहां पे बांध रखा है अब इसे बच्चा कहता है, अच्छा सर ये डिग्री करके ये नौकरी कैसे होगी वाह वाह एक बार तो एक बहान बहुत प्यारा सवाल ये कह रहा है कि सर मैं तो बी कॉम नहीं किया मैं बैंक की तैयारी कैसे कर सकता हूं देख रहे हो आप यही है बोरोड ज्ञान एक बार बैठ करके खुद नेट है इंटरनेट है खुद बैठ के आईबीपीएस की वेबसाइट खोल के या कोई वेबसाइट खोल के हजारों वेबसाइट्स हैं जहां पे मिल जाएगा अच्छा ये एग्जाम कौन कौन दे सकता है क्या एज लिमिट है क्या क्वालिफिकेशन है उसने देखा नहीं लेकिन एक इमेज बना ली कि अच्छा बैंक के लिए बी होना चाहिए इन्हीं की बात हो रही है ये अपने कुछ नहीं करेंगे किसी ने कुछ पिला दिया होगा उसके ज्ञान पर कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं तो उनको नहीं पता अच्छा वो अपना ही एक थियोरी लेकर के ज़िंदगी को जो उनकी थियोरी है भी नहीं वो उधार किए तो वैसे ही आइडेंटिटी ट्रैप होता है कि मैं ये हूँ अरे भाई पढ़ाई लिखाई इज अ पार्ट हमारी जिंदगी में सो कॉल्ड मिडिल क्लास अपर क्लास जो भी बोल लो है पता नहीं हो सकता आगे पचास साठ सालों में कुछ चेंज आए बच्चा क्या करेगा ग्रेजुएशन तक क्या उसका कंट्रोल उसके ऊपर होता है तुम कौन सी डिग्री करोगे क्या करोगे है? घर परिवार वाले ही करा रहे हैं ना और उसके बाद भी वो पूरा सिस्टम बन आपको कराएगा घर परिवार ऐसा नहीं कि कुछ अलग है घर परिवार भी समाज से ही चलता है तो जैसे समाज की सोच है जैसे हमारे यहाँ था कि भाई नंबर अच्छे आ गए दसवीं में तो तुम पी ले लो मैथ्स में हाथ टाइट है तो पी ले लो अच्छा उससे भी हालत खराब है तो कॉमर्स ले लो अच्छा बहुत गए गुजरे हो आर्ट्स ले लो ये समाज की सोच थी जो समाज के मेंटल हैंडीकैप को दिखा रहा है अरे भाई आर्ट इज एज इंपॉर्टेंट एज द साइंस बट आपने ये बना दिया अब तो बाद में फिर बहुत सारे बच्चे जो सी के टॉपर रहे उन्होंने यू नो लिटरेचर लिया ह्यूमैनिटीज ली लि, तो ये चेंज आया समाज के अंदर कि भाई उसको जो करना है उसके हिसाब से वो कोर्स पढ़ेगा ना ये क्यों मार्ट दिया तुमने कहीं तेज बच्चे पीसीएम लेते हैं इच्छा है तो ले नहीं तो वो बेचारा अब तेज बच्चा पीसीएम ले रहा है ग्यारहवीं बारहवीं में झेल रहा है फिर कहा गया नहीं नहीं तो अब बीटेक करो फिर वो बीटेक भी कर रहा है अब उसकी जिंदगी छह साल दर्द में है मैंने तो बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू किए जब कैट के जमाने में ये सवाल होता था ना कि वाई एम बी ए तो पूछते थे सर यू you नो know, वही दो साल पीसीएम किया फिर चार साल इंजीनियरिंग की दैट वॉज नाइट नॉट माई कप ऑफ टी आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड बट एक्सीडेंटली आई डिड दैट सो ना नाउ आई वॉन्ट टू रिडीम माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू डू एम बी ए उसको बेचारे को अभी ये भी नहीं पता कि एम बी ए भी वो प्रभाव में ही कर रहा है फिर वो भी ज्ञान देगा इंजीनियरिंग एंड एम बी ए इज अ किलर कॉम्बिनेशन तुम कॉम्बिनेशन तुमको दिए गए तुम, तुम जिंदगी जी रहे हो तुमने ये बता दिया कि इंजीनियरिंग में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं था इस बात की क्या गारंटी कि एमबीए में तुम्हारा इंटरेस्ट होगा ये करने के बाद पता लगा ना करने से पहले तुम्हें भी बहुत महान लगता था वैसे एमबीए भी अभी तुम्हें बहुत महान लग रहा होगा या फॉर दैट दिटर सरकारी नौकरी बहुत अच्छी लग रही होगी या कुछ भी वो दूर के ढोल हैं अभी किसी और ने तुम्हें सपने दिखाए वो सुहावने लग रहे तुम्हारा कुछ है क्या उसमें तो यू आर डूइंग एनी जस्ट फॉर द हेक ऑफ डूइंग दैट क्योंकि लोगों ने कहा था खुद से पूछ लो या उससे मार्केट में वैल्यू तुम्हारी बढ़ जाएगी नहीं, नहीं ये डिग्री धारक हैं तो यही है आइडेंटिटी मार्कर्स उन्हीं की बात यहां पे हो रही है तो इसमें ही हम ट्रैप्ड हो जाते हैं एंड फोर्स डस्ट टू सी द वर्ल्ड थ्रू डार्क एंड ग्लास क्या बात है देखो तो अभी जो मैंने ग्लास की बात करी थी ना उसी से देख रहे हो दिस कैन चेंज मस्ट चेंज वी आर टू डू बेटर फॉर आवर ह्यूमैनिटी चेंज होना चाहिए अब देखो इसमें वही वाली बात की जो ये बेचारे आई में पहुंच के सुसाइड कर लेते हैं आई एस आई पी एस सुसाइड कर लेते हैं यू नो सी बैंगलोर वाले सुसाइड कर रहे हैं किसी बड़ी मल्टीनेशनल में काम करने वाला बच्चा सुसाइड कर ले रहा है तो ये सोचने का विषय है या नहीं ये सोचने वाला विषय है या नहीं ठीक है Life on its own does not give value, it creates. We, you, and I, we give life value by making life personal, by lying to ourselves. And the lie we tell and believe is ego, the master identity trap. But ego is not the self, not I, not alive in the present. Ego is a con, a trap we can escape at any moment. We choose to wake up, to be here, now, to be conscious of being in this, the present moment we are in, the absence of I in the present is I. तो लाइफ ऑन इट्स ओन डज नॉट गिव वैल्यू इट क्रिएट्स मतलब लाइफ अपने आप में वैल्यू नहीं क्रिएट करती वो आपको करना पड़ता है वी यू एंड आई वी गिव लाइफ वैल्यू बाय मेकिंग लाइफ पर्सनल बाय लाइंग टू आवर तो एंड द लाइव वी टेल मतलब अपने आप को ही तो झूठ बोलते हैं एंड द लाइव वी टेल एंड बिलीव इज ईगो वही तो ईगो ईगो इज नथिंग बट द फॉल्स इमेज इज वॉट यू हैव आप अपने आप को सिर्फ एक इंडिविजुअल के तौर पर देखो तो ज्यादा कहानी गढ़ सकते हैं बट जब बाकी के आइडेंटिटी मार्कर्स का बोझ ज्यादा है और आप उसके अंदर दब चुके हैं एक उम्र तक अंदर से सुखबुगाहट होती करे नहीं नहीं इस फूल को खिलना चाहिए यह बीज जो है वो पौधा बने फूल बने लेकिन कुछ समय के बाद उसके ऊपर इतने लेयर्स लग जाएंगे ईगो की इमेज की मास्किंग की और फिर पूरी जिंदगी उसी इमेज की सुरक्षा में बीत जाती है कि कहीं इमेज ना खराब हो जाए जो लगा हुआ है मास्क बड़ी मेहनत लगती है उसमें फिर तो उसी की बात यहां पे है एंड द लाइन वील एंड बिलीव इज ईगो द मास्टर आइडेंटिटी ट्रैप तो वही वही ईगो मास्टर आइडेंटिटी ट्रैप है बट ईगो इज नॉट द सेल्फ नॉट आई नॉट अलाइव इन द प्रेजेंट वही बात वो ना तो सेल्फ है ना मैं हूं और ना ही वो प्रेजेंट में है ईगो एक कौन है अ ट्रैप वी कैन स्केप एट एनी मोमेंट ये कि ऐसा ट्रैप है जिससे हम किसी भी मोमेंट में बाहर निकल सकते हैं अगर हम चूज करें जगने के लिए वो च्वाइस का पार्ट है कि मुझे उससे बाहर आना है या नहीं आना to be here now, to be conscious of being in this the present moment we are in ये आपकी choice है ye हमारी choice है कि ठीक है मुझे जो identity पीछे से मिली है मुबारक है कोई बात नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं but क्या वही identity main हो जाता hu क्या नहीं मेरे में बहुत potential है तो अपने पोटेंशियल को मुझे रियलाइज करना है उस आइडेंटिटी के बोझ के तले मुझे नहीं दब जाना अगर वो अचीव करोगे तो कर शायद जो आइडेंटिटी मिली उसकी भी इज्जत और बढ़ेगी एबसेंस ऑफ आई इन द प्रेजेंट इज आई तो वो उसका मतलब वही ईगो को हटा दो फिर जो बचेगा वही तुम हो तो ये था पूरा का पूरा